गुड मॉर्निंग, आज आप लोगों को ऐसा अच्छा खासा गुड मॉर्निंग देगा। वेलकम टू सिंपली लक्ष्मी'स लाइफ। व्हाई यू आर क्राइंग? बहुत सावधान रहती है ये एकदम से। अरे बचपन में कृति बहुत इस टाइप का कृति के उसके पापा के कंधे पे चढ़ के घूमती रहती थी। अभी आपको डर नहीं लगने लगा? हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बताइए कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं। दोस्तों आज है ट्यूसडे और अभी आप देख सकते हो कि कृति गार्डन पे है और उसको बहुत अच्छा लगता है फ्लावर गार्डन से लेना, पूजा करना। तो ये सब उसका मतलब बहुत एक फेवरेट काम बोल सकते हो दिन में। और थर्सडे मैं पूजा करती हूँ और बाकी जैसे सैटरडे थर्सडे मैं पूजा करती हूँ, बाकी दिन उसको पूजा करना है और वो बहुत खुश हो जाते हैं। सुबह सुबह उठ के उसको देखना है कि कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं। ओह माय गॉड, हाँ अभी कृति बोल रही कहाँ लगा सकते हैं। आ गया, आ गया। चलो बंद कर देती हूँ। एंड कैसा फीलिंग हो रहा है? सुपर सुपर, क्या बात है कृति। अभी तो कृति को देखो। मुझे अभी देखना है। अभी देखना है। अभी देखना, अभी एक साइड पे रख देते हैं, अभी नहीं देखना। अभी दो दिन वेट कर लो, ठीक है? वो तो मेरे से भी रहा नहीं जा रहा है, बट थोड़ा सा सैनिटाइज हाँ कर लेंगे, बस फिर भी सैनिटाइज है की खोल ले। नीचे गिर गया पूरा। पे ना काओ कुछ बैठे हुए हैं। एक्चुअली ये ग्राउंड जो है एकदम से खाली है और बहुत ज्यादा ग्रास वगैरह आता है, तो इसके लिए काउस बहुत ज्यादा आता है ना। तो अतनु इस बीच अतनु ने एक जोक्स मारा है। हाँ सब काउ देखो एक एक फीट के दूरी पे बैठे हुए हैं। हाँ वो काउ तो कुछ ज्यादा ही सोशल डिस्टेंस में खूब जाने है। और ब्रेन तो जाने। हाँ ब्रेन ही वो है एकदम, मतलब क्या बोलूं, रिस्पांसिबल सिटीजन। बहुत अच्छे हैं और काफी दिनों के बाद में आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा लैपटॉप बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, तो अभी भी वो ठीक नहीं हुआ है। पता नहीं इस लॉकडाउन में हम लोगों को बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, बट मतलब जितना हो सके हम लोगों ने कोशिश किया और मैं बहुत ही वेट कर रही थी आप लोगों के साथ मतलब बातें करने के लिए। और आज मैं डिनर पे बना रही हूँ पालक पनीर और रोटी। पालक पनीर मेरी बेटी को बहुत पसंद है, उसकी बहुत ही फेवरेट एक डिनर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो पालक जो है उसको मैं अलग कर रही हूँ और उसके बाद इसको उबाल लूँगी। पालक को मैं पालक पनीर जब भी मैं बनाती हूँ उबाल के ही बनाती हूँ, और जब तक मेरा पालक जो है वो बॉयल होगा उस बीच मैं ऑनियन को कट कर लूँगी, और ऑनियन को कट करने के बाद उसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। और पालक पनीर मैं जब भी मतलब कुकिंग करती हूँ तो एक एक करके मैं करती रहती हूँ और साथ में कटिंग भी करती हूँ, और इससे क्या होता है ना टाइम थोड़ा सा बच जाता है। और एक बार पूरा रेडी करने के बाद अगर आप करने जाओगे तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस चॉपर की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से मैंने चॉपिंग कर लिया है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है। और यहाँ पर मैंने ऑयल दिया है, मास्टर ऑयल से मैं कुकिंग करूँगी, तो मास्टर ऑयल पर मैंने ऑनियन को जो है डाल दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनियन फ्राई हो गया है, तो जिंजर और गार्लिक को जो मैंने बारीकी से कट कर लिया है उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है। उसको मैं पहले
फ्राई कर लूँगी और उसके बाद एक एक करके हल्दी, धनिया, जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च ये सब मैं ऐड कर दूँगी और उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अगर आप चाहो तो साथ में सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और उसके बाद सॉल्ट मिक्स कर दूँगी और उसके बाद मैं टमाटर डाल के मैं उसको रख दूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं पनीर को कट कर रही हूँ। एक्चुअली ये मार्केट से लाया गया पनीर है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हार्ड है ये पनीर, बट इसको मैं थोड़ा सा गर्म पानी में रख दूँगी तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मसाला जो है मेरा एकदम से रेडी हो गया है। आप टमाटर को मैं कभी कभी पालक के साथ पीस के भी डालती हूँ, नहीं तो पहले मसाले में डाल के उसको पिघला भी लेती हूँ। तो यहाँ पे टमाटर जो है पिघल गया है, अभी मैं पालक को मिक्स कर दूँगी इस पर और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा एक कलर आया है। और अभी मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ, अगर आप चाहो तो फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हो और या तो मिल्क भी ऐड कर सकते हो, मिल्क से भी बहुत अच्छा मतलब फ्लेवर आता है। और यहाँ पे मैं पनीर को डाल रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो पनीर जो है बिल्कुल से सॉफ्ट हो गया है। और आप में से बहुत सारे फ्रेंड ने मुझे पूछा है कि दीदी आप 5-6 रोटी एक साथ कैसे बना लेते हो, तो ये एक्चुअली मैं फ्लेम को लो करके बनाती हूँ। इससे क्या होता है ना, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए, अगर आपको ज़्यादा रोटी बनाना हो तो ये आसानी होती है। एक बनाओ, एक सेको, उसके बाद फिर से एक बनाओ, तो इससे क्या होता है ना टाइम ज़्यादा लगता है। और मैंने बचपन से ही मैं मम्मी को रोटी बनाने में हेल्प करती थी तो ये काम मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और अभी आदत सी हो गई है ये करना। मैं बोलूँगी अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो फ्लेम को थोड़ा लो करके उसके बाद रोटी को बनाइएगा, देखना आसानी से आप 4-5 रोटी एक साथ कर सकते हो। जिसके लिए मैं बहुत दिनों तक इंतजार कर रही थी, बट फाइनली खत्म हुआ। बट हाँ, उसके बीच टेक्निकली मेरा लैपटॉप ने धोखा दे दिया, वो तो मतलब अलग बात है, तो बोलता रहता है कि इसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, कब क्या हो जाए पता नहीं। पता नहीं एक्चुअली क्या है ना, मैं इस मोमेंट को आप लोगों के साथ जितनी जल्दी हो सके मतलब शेयर करना चाहती थी, बट क्या करूं। तो अभी कृति इस चीज को दिखाएगी, दिखाओ। तो ये रहा सरप्राइज सिल्वर बटन। ये ओपन 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 करते हैं। सिल्वर बटन, ये देखिए। तो फाइनली हम सबका सिल्वर बटन आ गया। यस, और इसके लिए थैंक यू सो मच आप सबको, आप सबने इतना प्यार दिया और मेनली आप लोगों के बिना ये मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है। और ये बेसिकली हम लोग का बटन नहीं है, सबका है, ये पूरा हमारी फैमिली का है। सिंपल एक्सप्रेस लाइफ का जो फैमिली है, 1 लाख फैमिली मेंबर्स हैं, उन सबका है। हमारी जो यूट्यूब फैमिली है अगर उनका है। हाँ,
अगर आप लोग नहीं होते तो इसका कोई फायदा नहीं है। मिल जाएगा। यस, मेहनत करेंगे तो मिल जाएगा। और ये भी मिल सकते हैं। ये भी मिल सकता है। होप होप। यस होप। गोल्डन भी आ सकते हैं। हाँ, गोल्डन भी आ सकता है, डायमंड भी आ सकता है। एकदम उसके साथ हमें ये मिला एक थैंक यू वेरी मच। जो ये जो टोकन ऑफ एप्रिसिएशन मिला है ये सिर्फ हम लोग को नहीं मिला है, ये पूरा फैमिली के लिए है। मतलब ये इस ये चीज का सक्सेस आप लोग के ऊपर जाता है। अगर आप लोग नहीं होते तो ये कभी भी सक्सेस मेरे वीडियो का कोई वैल्यू नहीं, नहीं, नहीं है क्योंकि आप ही लोग जो है सक्सेस, मतलब आप लोग देखोगे, आप लोग पसंद करते हो तभी जाके ये चीज सक्सेस। और मुझे, मैं एक वीडियो बनाती हूँ, दूसरा बनाने का मोटिवेशन मुझे आप लोगों से ही मिलता है। Definitely. और आप लोगों से, आप लोगों की मोटिवेशन ही मुझे आगे मतलब बढ़ने में हेल्प किया है। और करेगा, और करेगा। और एक चीज, हमारा जो मतलब मैंने जो यूट्यूब स्टार्ट किया था, मैं अकेले नहीं स्टार्ट किया था। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे एक डिसीजन लिया था, उस डिसीजन को सक्सेस मेरे हस्बैंड ने किया है, साथ ही साथ मेरे फैमिली का सपोर्ट। जो आज मैं यहाँ पे हूँ मेरे फैमिली की वजह से हूँ। और मेरे चैनल का टेक्निकली जितने सारे मतलब चीज़ें हैं मेरे हस्बैंड हैंडल करते हैं, वो मुझे सिखा रहे हैं। मैं कोई ट्रेंड व्लॉगर नहीं हूँ, मुझे मतलब कहीं से मैं ट्रेनिंग लेके नहीं आई हूँ। मैं जस्ट सीख रही हूँ, जो सीख रही हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों का जो प्यार है वो आप लोग ऐसे ही बना के रखिए हमारे सब सबके ऊपर। और आप लोगों ने कृति को इतना प्यार दिया है, मतलब क्या बोलूं, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। मोटिवेशन ये है कि मैं अपनी वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ कुछ मोटिवेशन, कुछ पॉजिटिविटी शेयर करूं, मेरी लाइफ की एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैं क्या करती हूं, कैसे करती हूं। साथ ही साथ आप लोगों से भी मुझे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली है, इसके लिए थैंक यू सो मच। मैं YouTube में सिर्फ सिखाने के लिए नहीं आई हूं, मैं सीखने के लिए भी आई हूं, क्योंकि मैं हर कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता है। लर्निंग का कभी खत्म नहीं होता लर्निंग। मैं कृति से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है मैंने कृति से। वो मुझे मतलब कुछ भी बोलती है ना, बच्चे है या बड़े, कोई भी अगर आपको कुछ बोले, एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग 1 लाख। यस, एक्चुअली वो काम मतलब मैं वीडियो बना रही थी, बट वीडियो एडिटिंग का काम कर नहीं कर रही थी, तो बोल रही थी मम्मा आप नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। मैंने बोला लैपटॉप खराब है, तो वो मतलब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। हम लोग शेयर करेंगे, कब शेयर करेंगे, कब शेयर करेंगे हम मेरे सारे फ्रेंड्स से, है ना। थैंक यू सो मच। ओके, तो चलिए ये जो व्लॉग है इसको यहीं पे एंड करते हैं। ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, और हाँ, जैसे कि मैंने पहले शेयर किया था कि हमारा सेकेंड लाइव जो है 2K मतलब 200K होने के बाद, आप लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कितनी जल्दी आप लोग हमें लाइफ पे चाहते हैं, मतलब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लाइक और सब्सक्राइब, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हाँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Take care, good night, stay home. Stay-